प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। एक तरीका भी हो सकता है जहां जहां अवैध कार्रवाई की गई वहां पर मुआवजा दिया जाए 15 दिन का समय। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्णतया सहमत हूं। मैं पहले दिन से इसका विरोध कर रहा हूं और किसी की भी सरकार हो मकान घर बनाने में बहुत समय लगता है और सिर्फ आरोप के आधार पे, जहां फर्जी मुकदमे दर्ज होते हो आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 कमेंट किए हैं ये बिल्कुल सही है कि जिनके घर टूटे हैं उनको मुआवजा मिले और जिन अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए किया है उन पे भी कार्रवाई हो। ऐसे कैसे जब न्यायपालिका है तो आप जज कैसे हो सकते हो? कल हम ताकत में होंगे किसी गरीब का घर गिराएंगे तो ये क्या न्याय होगा? नहीं, जब न्यायपालिका है तो न्यायपालिका के अधिकार को अगर सीज करने काम सरकार करेगी तो न्यायपालिका को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी मंशा को भी देखना चाहिए कि उनकी मंशाएं कैसी हैं। यहाँ भी अयोध्या में भी लोग घरों में बुलडोजर चले और उसका खामियाजा विधान लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया भी। यूपीएससी एग्जाम को लेकर जिस तरीके से करने पर वैसे लाठीचार्ज हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए, मैं उन बच्चों का धन्यवाद देता हूँ जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे, वो जागरूक है, वो देश के सच्चे नागरिक है। मैं वहां जाना चाहता हूँ लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो कि पॉलिटिकल है, लेकिन मैं हम उनके साथ खड़ा हूँ, हमारी पार्टी संगठन उनके साथ खड़ा है। हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, बच्चे हैं वहाँ, सब नौजवान हैं, देश भर से आए हुए हैं लोग हैं, इसलिए बैठे हैं कि उनका उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं करा सकती है? 41 सेंटर पे आप करा रहे हो, बाकी 34 सेंटर पे आपको उम्मीद है कि पेपर लीक हो जाएगा। पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, दरोगा की हुआ, पटवारी का हुआ, कोई ऐसी भर्ती इसका पेपर लीक नहीं हुआ। अब तो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के पेपर लीक होने लगे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, नारा बोलचा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कि अगर पेपर बटेंगे, एक की जगह दो पेपर होंगे तो नंबर कटेंगे और फिर कहीं ना कहीं धांधली होगी। धांधली को रोकना है, पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराना है तो बच्चों की मांग को मानना पड़ेगा। 3 दिन से बच्चे वहां हैं, 2 रात हो गई बेटियों को बैठे हुए, ये बेटियों का पूजन करने वाली सरकार को क्या हो गया है? बिल्कुल ही संवेदनशीलता बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी तानाशाही ना करें, उनकी मांग माने और हम और हमारी पार्टी उन बच्चों के साथ खड़े हैं। अगर मजबूरी ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल खड़ा हो तो मैं उनके बीच जाके वहीं बैठता सड़क पे। आज अंबेडकर नगर में कटहरी विधानसभा में जो चुनाव है उपचुनाव उसकी रैली है और मेरा विश्वास है कि कटहरी विधानसभा हम लोग जीतेंगे।